हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए। वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ये मेरा गारंटी है आपसे। प्लीज आज जिस टॉपिक को लेके बात करें वो है विटामिन, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण डिटेल पे हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको विटामिन को लेके सारे तरह के कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएं और आप डिटेल पे समझ पाएं कि विटामिन क्या है, कैसे है, कौन कौन से विटामिन है, इनका फ़ायदा क्या है, किसकी कमी से क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, बीटा अर्थात लाइफ एंड एमी में जीवन के लिए आवश्यक, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थ है जिस इसकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो आप ये चीज़ें याद कीजिएगा। इसीलिए मैंने ये ऐसा टॉपिक उठाया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के नज़रिए से। ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज लुइनिया ने 1881 में, फिर होपकिंस ने 1912 में की, ठीक है। विटामिन नाम दिया फ्रांकसे ने। विटामिन का अध्ययन का क्या कह नाम होता है, विटामिनोलॉजी। विटामिन लघु पोषक तत्व तो जैविक नियंत्रण उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ना रखे कि ये शरीर का बनाते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी था, सबसे पहले विटामिन सी की खोज की गई। सर्वप्रथम आश्वित अर्थात निष्कर्षित विटामिन विटामिन बी था, ठीक है। जीवों ने अभी तक 20 प्रकार के विटामिन को पता चला है, जिन्हें 2 प्रकार के श्रेणियों में बांटा जा सकता है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन हो गए ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, रेटिनोला। ये हमेशा नाम पूछ लेता है कि इनका नाम बता दीजिए, इनका नाम क्या है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन B1 का, विटामिन B6 का, विटामिन B12 का। तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराता चलूँगा। इसकी खोज की थी मैकुलन ने। ये पीले और लाल रंग का होता है, ये रंजक द्वारा रक्त द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए के समावयवी विटामिन A1 रेटिनल दृष्टि के लिए, ठीक है। विटामिन B2 डिहाइड्रेशनली जो लैंगिक अंशु आंसू उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। आँख के लिए ये रेडोशिप्सा का निर्माण करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, रात्रि अंधता, इसे निप्टोलोपिया कहते हैं। जीरोथोलेमिया A2 की कमी से आंसू निर्माण विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो लोगों का आंसू जब नहीं आते तो ये विटामिन A2 के कारण होता है। इस रोग से कंजप्शन और कॉर्निया के क्रियोटिजोनर के कारण कंजप्शन और कॉर्निया सूक्ष्म हो जाते हैं। ये संपूर्ण विश्व के बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है। इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है। इसके अच्छे सोर्स हैं गाजर, मक्खन, अंडा, पीता, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, पत्ता गोभी, टमाटर और बहुत सारे। लीवर यक्त में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। इसकी दैनिक मात्रा 150 ग्राम बस इतनी जरूरत होती है। विटामिन बी, विटामिन डी को लेके चर्चा करते हैं। इसे साइनाइड विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। इस समूह में लगभग 10 विटामिन ज्ञात हैं। कॉलीकैप्सिफेरस नामक विटामिन डी का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं नामक पदार्थ से करते हैं। यह हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, हड्डियों के निर्माण में तथा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग बच्चों में रिकेट्स, जिसे सूखा रोग, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अच्छे सोर्स हो गए मक्खन, सूर्य का प्रकाश, सब्जी, मांस, लीवर, अंडे, दूध आदि।
इसमें गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाते हैं, ठीक, विटामिन डी नष्ट हो जाती है। इसके खोजकर्ता कौन थे? अप हाफ फिनिक्स। इसकी दैनिक डोज 400 mg मिलीग्राम, ठीक है। विटामिन ए टेकोफेरल, इसे एंटी स्टेनरी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ हटाता, अधिक ऊष्मा से नष्ट हो जाता है, अधिक घाम में। इसकी कमी से बाजपन, गर्भपात, अंगपात, पीलिया, पेशियों में कमजोर होना बहुत सारा हो जाता है। इसके अच्छे सोर्स हरी पत्तियां, तेल, गेहूं, अंडे, मांस, कॉटन, बीज तेल। इसकी दैनिक मात्रा 30। विटामिन के से फाइलोनेक्सस कहते हैं, इसे एंटी हीमोरेलगिया विटामिन भी कहते हैं। याद में पाए जाने वाले सहजीवी विटामिन ई कालिय द्वारा संश्लेषित होता है। मेडेनियल कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण होता है, थ्रोपोनिकस के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके अच्छे सोर्स हैं हरी सब्जी, गाजर, टमाटर, गोभी पत्ता, धनिया, मूली, सोयाबीन। यह एंटीबायोटिक और सल्फर औषधि के लगातार उपयोग से नष्ट हो जाता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ये शरीर के क्षतिग्रस्त भाग का रिपेयर नहीं हो रहा हो तो इस विटामिन से में कम्प्लेक्स दिया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी की अब तक 18 घटकों की खोज हो चुकी है। विटामिन बी को में सम्मिलित रूप से बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके खोजकर्ता से मैकुलन। विटामिन बी यह प्रोटीन के पाचन के में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन भी कहते हैं। ये रक्त के ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिससे संक्रमण रोग नहीं हो पाते। अब विटामिन बी 18 तरह का होता है। विटामिन बी 1 थायमिन इसका नाम है, इसे एंटी बेरीबेरी कारक होता है। बेरीबेरी फेरी कल तंत्रिका तंग हार नाल अब बहुत अंग को प्रभावित करता है। यह पकाने और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी, अपच, कब्ज, बर्निक्स हो जाते हैं। इसके सोर्स हैं चावल, गेहूं, अंडे, मछली। इसकी खोज 1897 में इजकामल ने बेरी बेरी रोग का पता लगाया था। बेरी बेरी रोग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां मालिशदार चावल प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। इसकी दैनिक औसत 1.4 मिलीग्राम से 1.7 मिलीग्राम। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, इसे विटामिन जी या पीला एंजाइम भी कहते हैं। इसकी खोज 1935 में हुई थी जब इसे दूध से निकाला गया। यह गहरे पीले रंग का होता है। यह यफेमियन एवं फैट निर्माण के आवश्यक होता है। आद में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। कमी से इसके मुंह में घाव होना, छाले होना, पाचन, मानसिक दबाव, फ्लेक्स, बेरी बेरी के समान रोग बहुत सारे हो जाते हैं। एक किनारे का मुंह का फटना, जीभ का चिकना, नीलापन होना। इसके सोर्स हैं दूध, गाय का दूध, अंडे। इसकी औसत बस उतनी ही जितनी विटामिन बी 1 की, ठीक है। विटामिन बी 5 नियासिन निकोटिनिक अम्ल, ये एंटी पेलेक्स कारक या विटामिन पीपी भी कहा जाता है। ये इसकी कमी से मानव में प्लेक्स और कुत्तों के जीभ का काला हो जाना माना जाता है। इसके सोर्स हैं ब्रक, लीवर, दूध, अंडे, बहुत सारे चीज, ठीक। इसकी डोज 18 से 20 ग्राम, ठीक। विटामिन बी 3 पेंटोथोनिया अम्ल, इसे ईस्ट कारक या फिल्टेक फैक्टर कहते हैं। इसको एंजाइम का निर्माण होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। यह एसिटाइलोकोलिक के निर्माण में सहायक होता है। इससे थकान, पेशियों में पक्षपात, जनन में क्षमता में कमी। इसके सोर्स हैं दूध, अंडा, मांस, वही। इसकी औसत 5 से 10 मिलीग्राम रोज होती है। विटामिन बी 6 पायरीडॉक्सिन, इसे एंटी डायबिटिक कारक कहते हैं। इसकी कमी से रक्त में की कमी,
रक्त की कमी, सुबह चलने में कठिनाई, एंटी एंडी संश्लेषण की कमी, ये दूध मांस अंडे वही 2 ग्राम इसकी दैनिक। विटामिन बी सेवन, बायोटीन, बी से विटामिन एच या एंटी एग वाइट इंजर फैक्टर भी कहते हैं। इसकी सल्फर युक्त विटामिन है ये। इसकी कमी से त्वचा रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी, ये भी दूध अंडे सब्जी वही गेहूँ चॉकलेट मूँगफली। विटामिन बी ट्वेल्व, ये साइनो को बेलेनमीना, ये नाम याद लग कर लीजिएगा, साइनो बस यही नाम याद करिए शुरुआत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये हमेशा आता। इसे एनीमिया नाशक कारक या आरबीसी निर्माणक कारक भी कहते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व प्राकृत में पाया जाने वाला पहला पदार्थ जिसे कोबाल्ट होता है, यह अंतः बैक्टीरिया संश्लेषित होता है, यह भुनने अधिक नष्ट हो जाता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ये मांस मछलियाँ वही ये प्रचुर मात्रा में मिलता है मछलियों के तेल में, ठीक है। बी नाइन हो गया। अब विटामिन सी के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन सी स्कर्बिक अम्ल होता है, इसे एंटी स्कर्बिक या एंटी वायरल वायरल एंटी कैंसर एंटी रेबीज विटामिन सी भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम। ये इसके कारण घावों को सीख भरने में सहायता मिलती है, यह हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है, यह उष्मा और प्रकाश के अधिक होने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से मसूर दांतों के रक्त निकलने लगता है। इसके अच्छे सोर्स हैं आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, आलू, हरी सब्जी, फल, पत्ता गोभी इत्यादि। जब काटे हुए फलों को आधी समय रखा जाता है उससे ये विटामिन नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी दैनिक औसत कितने 40 मिलीग्राम। और अन्य विटामिन विटामिन पी है भी कहा जाए, ये विटामिन सी का समान होता है। विटामिन बी सेवन टी है एंटी कैंसर विटामिन है, तरबूज से प्राप्त किया जाता है। विटामिन क्यू ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन बी 15 इसे पेगेनिक अम्ल भी कहा, इसकी कमी से रक्त में अव्यवस्था हो जाती है। विटामिन एफ की कमी से कौन सा ये हृदय रोग, त्वचा रोग, क्षय रोग और बहुत सारे चीज़ हो जाती है। तो आप बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।